हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीबीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। आप लोगों ने ऑस्मोसिस सुना होगा, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि किसी भी, अगर आप दो तरीके के सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन में क्या हो, डिफरेंस हो, दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो और उन्हें सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमीबियल, SPM बोलते हैं हम इसको, सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन के थ्रू उनको सेपरेट करके रखते हैं, तो क्या होगा, हमेशा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाता है। यानी अगर आप दो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखते हो, तो हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए यहाँ की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, यहाँ की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है, और यहाँ की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर हम इसको C2 ले लेते हैं, इसको C1 ले लेते हैं, अगर हम बात करें C1 से C2 क्या है, ज़्यादा है, ओके। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कहाँ की ज़्यादा है, C2 की, तो हमेशा वाटर जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट में हमेशा क्या लेते हैं हम, वाटर मोस्टली, तो वाटर कहाँ कैसे जाएगा, लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन का ऑर्डर है। तो हमेशा लो कंसंट्रेशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा, वाटर मूव होने लगेगा थ्रू द सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन, ओके। अगर हम चाहते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम चाहते हैं कि ये ऑस्मोसिस नहीं होता, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, अगर हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन है उसके ऊपर हमें एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे जो हमें एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ में एक दूसरा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि ऑस्मोटिक इधर और इधर दोनों तरफ ATM तो है ही, एटमोस्फेरिक प्रेशर तो अप्लाई हो ही रहा है, लेकिन अगर हमें ऑस्मोसिस को बैन करना है, यानी हम नहीं चाहते कि ऑस्मोसिस हो, तो हमें क्या करना है, जो जिस तरफ जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जाते हैं उस तरफ हमें, उस वाटर के सरफेस पर, यानी कि सॉल्वेंट के सरफेस पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर एक्स्ट्रा, या हम बोलते हैं एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ऑस्मोसिस क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए, ओके। तो ये करने के लिए हमने जो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर अप्लाई किया है, वही हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्टडी करना है। आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, हम ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है, पाई इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हमें लगाना पड़ेगा। अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमें उतना ही ज़्यादा जो पाई है या ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन एट ए गिवन टेम्परेचर का भी इसमें इफेक्ट होता है, तो एक फिक्स टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन अगर डिफरेंस ज़्यादा होती है दोनों सॉल्यूशन में, तो पाई भी बढ़ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू CST। यहाँ पर देखिए C क्या है, कंसंट्रेशन है, C तो है कंसंट्रेशन, ठीक है, और S यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और ये जो गैस कांस्टेंट होता है R, है ना, उन्हीं की लिक्विड में अगर है तो हम उसको सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलेंगे, 0.83 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन कांस्टेंट, और T यहाँ पर है टेम्परेचर, T क्या है यहाँ पर
टेम्परेचर, यहाँ से कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम कंसेंट्रेशन की जगह ये पुट करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एन टू अपॉन वी एस टी। ठीक है, यहाँ से N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 रख सकते हैं। ये हमारा एक दूसरा, इस तरीके से हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके फॉर्मूला में को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या आता है हमारे पास में, पाई, अगर V को मैं यहाँ ले जाऊँ तो पाई V इक्वल टू NST, जो कि एकदम सिमिलर होता है PV इक्वल टू NRT के। ये बिल्कुल सिमिलर किसके हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसी के सिमिलर है, बस यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है इसलिए हमने इसको पी की जगह पाई रख दिया, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन कांस्टेंट रख दिया क्योंकि हमने सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और गैस की बात करते हैं तो गैस कांस्टेंट आ जाता है। तो बाकी जो हमारा जो इक्वेशन है वो बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन के जैसे ही आती है। तो अगर आप कभी भूल भी जाते हो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला तो आप इससे उसको डिराइव कर सकते हैं, यानी कि उससे आप बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने एक बात सीखी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ेंगे यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ में या ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर हमने सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में बांटा है और डिवाइड किया है। जो 3 टाइप्स क्या होते हैं, एक तो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर C1 इक्वल टू C2 हो, यानी कि अगर कंसंट्रेशन दोनों लिक्विड की क्या हो, सेम हो, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ आया आपको, तो अगर कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस ना हो, दोनों सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो सिमिलर है, तो पाई भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो का मीनिंग होता है कम होना। ठीक है, तो अगर हम किसी सेल को, ये क्या है, कोई भी लिविंग सेल है, ठीक है, लिविंग सेल जो हमारी बॉडीज़ में होती है, लिविंग बींग की बॉडी जिससे बनी हुई होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो अगर इसी किसी लिविंग सेल को हमने ऐसे सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन जो है, यानी कि इसकी हम C1 ले लें और इसका C2 ले लेते हैं, तो अगर हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन का कम होना, यानी कि अगर C2 की कंसंट्रेशन, ठीक है, C2 की कंसंट्रेशन कम है C1 से C2 की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, पानी कहाँ आएगा, हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ आएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, सेल विल स्वेल, वो फूल जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, अब तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हाइपरटोनिक, और हाइपर का मीनिंग क्या होता है, ज़्यादा होना। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अब की बार C2 क्या है, ज़्यादा है C1 के कंपेयर में, यानी C2 ज़्यादा है C1 के कंपेयर में, यानी यहाँ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अब की बार क्या होगा, सेल से जो वाटर होगा, ठीक है, सेल का जो पानी होगा, सेल में जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल क्या हो जाएगी, विल श्रिंक, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, यानी कि वो सिकुड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि उसका पानी बाहर आ गया है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन तीन तरीके के क्या होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर जो है 3 टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के। ओके, उसके बाद एक और टॉपिक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर में, दैट इज़ द रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, रिवर्स होना, यानी अगर हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन है, ठीक है,
हमने C1 जो है वो C2 से ज़्यादा है, इसको हमने C2 लिया, इसको हमने C1 लिया है, तो हमेशा पानी कहाँ से जाएगा? लो कंसनट्रेट से हाई कंसनट्रेट की तरफ, कंसनट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब की बार वाटर क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, वाटर की जो मूवमेंट है वो रिवर्स हो जाए, यानी C2 की तरफ आ जाए C1 से, है ना, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से इधर की तरफ आ जाए। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें इतना ओस्मोसिस को रोकने के लिए, तो यानी ओस्मोसिस ना हो तब तो हमें इतना एटमोस्फेरिक प्रेशर के अलावा प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर के इक्वल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वाटर यहाँ से यहाँ आ जाए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इससे भी ज़्यादा प्रेशर और हमें अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ओस्मोटिक प्रेशर है उससे भी ज़्यादा प्रेशर अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं हाई कंसनट्रेट सोल्यूशन पर, तो पानी क्या होगा, वाटर यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उल्टा यानी रिवर्स ओस्मोसिस शो करने लगेंगे। तो रिवर्स ओस्मोसिस में क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन ओस्मोटिक प्रेशर, यानी ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द हाई कंसनट्रेट सॉल्यूशन, यानी हाई कंसनट्रेट सॉल्यूशन जिधर है उसकी सरफेस पे अगर हम पाई से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो रिवर्स ओस्मोसिस हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।